नमस्कार। आज का विषय है मथुरा कला। मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। मथुरा में जिस कला शैली का विकास हुआ, उसे मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। इस कला के अंतर्गत अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। मथुरा कला का जन्म दूसरी सदी ईसा पूर्व माना जाता है। इस कला में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। अधिकांशतः मूर्तियाँ कुषाण काल की हैं। कनिष्क, हुविष्क एवं वासुदेव के शासनकाल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। मथुरा कला की एक खास विशेषता यह रही कि इसमें कुषाण काल में राजा एवं सामंतों की भी मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला में स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। इस कला की एक अन्य विशेषता यह रही कि इसमें पवित्र स्तंभों पर जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन किया गया। मसलन, कहीं जंगल का दृश्य है जहाँ पुरुष और स्त्री फूल चुन रहे हैं, महिलाएं सारस के साथ खेल रही हैं या चिड़ियों को दाना चुगा रही हैं, तथा फुलवारी और सरोवर में क्रीड़ा कर रही हैं। मथुरा कला में बनाई गई मूर्तियों की विषय वस्तु बोधिसत्व एवं बुद्ध की मूर्तियां संभवतः सबसे पहले मथुरा में ही बनाई गई और यहाँ से ये पूरे देश में भेजी गई। उदाहरण के लिए, कनिष्क प्रथम के समय सारनाथ में खड़े बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण मथुरा में ही किया गया था। बुद्ध की मूर्तियाँ दो मुद्राओं में, खड़े तथा बैठे हुए। बैठने की मुद्रा वाली मूर्तियों में सबसे पुरानी कात्रा में पाई गई है। कात्रा से प्राप्त बोध प्रतिमा, जिसे चौकी पर उत्कीर्ण लेख में बोधिसत्व की संज्ञा दी गई है, इसमें बुद्ध को भिक्षु वेश धारण किए हुए दिखाया गया है। वे बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है, जिसे आप इस पीपीटी पर भी, ये बोध प्रतिमा आप देख सकते हैं। इनके दाएं हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। बुद्ध के दोनों ओर चामर लिए हुए पुरुष हैं तथा ऊपर से देवताओं को उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हुए दिखाया गया है। इनकी हथेली एवं तलवों पर धर्म चक्र तथा तीर रत्न के चिन्ह बनाए गए हैं। इस प्रकार समग्र रूप से ये मूर्ति कलात्मक दृष्टि से अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयी, अवलोकितेश्वर आदि बोधिसत्व मूर्तियाँ भी मथुरा से मिलती हैं। मथुरा कला की बोध प्रतिमाओं की आम विशेषताएं इस प्रकार हैं। उजले धब्बे वाले लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। मूर्तियों का निर्माण गोलाकार हुआ है ताकि चारों ओर से देखा जा सके। सिर के बाल एवं चेहरे की दाढ़ी बिल्कुल साफ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ललाट पर कोई निशान नहीं है। वस्त्र शरीर से सटे हुए हैं और मूर्तियां आध्यात्मिक तथा भावना प्रधान हैं। मथुरा कला में जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। कंकाली टीला, जो कि मथुरा कला का प्रमुख स्थल है, वहां से कई जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों में शिव, लक्ष्मी, सूर्य एवं बलराम की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। कुषाण काल में कार्तिकेय, विष्णु, सरस्वती, कुबेर एवं अन्य देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गईं। इस काल में मूर्तिकला की ये विशेषता रही कि प्रत्येक देवता अलग से पहचाने जा सकते हैं और उनकी एक खास पहचान बना दी गई। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि शिव लिंग रूप में पूजे जाते हैं, पर इस काल में चहुर्मुख लिंग का निर्माण होने लगा। इसमें एक लिंग के चारों ओर
शिव की मुखाकृति लगी होती है। कुषाण काल में सूर्य देवता दो घोड़े से जुते एक रथ पर सवार दिखाए गए। उन्होंने भारी कोट पहन रखा है। इसके अतिरिक्त उनके बदन पर सलवार तथा जूता भी है। उनके एक हाथ में तलवार है, दूसरे में कमल है। बलराम को के सिर पर भारी पगड़ी दिखाई गई। सरस्वती के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में वो पुस्तक लिए हुए बैठी हैं। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। उनकी सेवा में दो प्रतिमाएं लगी हुई हैं। दुर्गा को महिष मर्दिनी के रूप में दिखाया गया। उन्हें भैंस रूपी राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। मथुरा से यक्ष और यक्षिणी की भी अनेक मूर्तियां मिली हैं। उनका संबंध बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से है। मथुरा के मठ गांव से कुषाण राजाओं जैसे कनिष्क, भीम, जाष्टन की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। शासकों और राज्य की प्रमुख हस्तियों की प्रतिमाओं को बनाने और उनके रखरखाव का विचार संभवतः मध्य एशिया से आया होगा। यह शासकों को देवत्व का दर्जा देने के लिए किया जाता था। इन प्रतिमाओं के वस्त्रों पर मध्य एशिया का प्रभाव स्पष्ट है। V.S. अग्रवाल के अनुसार मथुरा कला का पद अपनी मौलिकता, सुंदरता एवं रचनात्मक विविधता एवं बहुसंख्यक सृजन के कारण बहुत ऊंचा है। मथुरा कला की में बनी मूर्तियां सारनाथ, श्रावस्ती तथा अन्य केंद्रों में भी गई। मथुरा की कलाकृतियां विदेशी प्रभाव से मुक्त हैं तथा इस कला में भरूत और सांची की प्राचीन भारतीय कला को ही आगे बढ़ाया है। कालांतर में मथुरा कला ने गुप्त कला के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। धन्यवाद।